हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवान स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों का आज प्राचीन इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उत्तर वैदिक काल से ही जो धर्म आडंबर शुरू हो गए थे, यह कर्मकांड शुरू हो गए थे, उसके विरुद्ध में ही ये जो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो धर्म क्रांति है, उस काल को धर्म सुधार आंदोलन के काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि जो यज्ञ, कर्मकांड, वेद आदि के विरुद्ध में जो धर्म शुरुआत हुई, उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे बड़ा धर्म हमारे सामने आया। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवनी पढ़ेंगे, और फिर जो अगली वीडियो आएगी बौद्ध धर्म का जो सेकेंड पार्ट होगा, उसमें इनकी इनके निर्वाण के पश्चात इनके जो सभाएँ थी और वो किस तरीके से आगे जाकर उसमें तंत्र मंत्र आदि सब शामिल हो गए थे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आज देखिए हम लोग देखते हैं बुद्ध के जीवन के बारे में। सबसे पहले देखिए, जैसा मैंने बताया, छठी शताब्दी ईसा पूर्व नए धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, और ये नास्तिक और आस्तिक धर्म थे। नास्तिक और आस्तिक मतलब, नास्तिक मतलब जो वेदों के प्रमाण को माने, और नास्तिक मतलब जो वेदों के प्रमाण को न माने। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म है वो नास्तिक धर्म में आता है, क्योंकि वो वेदों के विरुद्ध में ही उस जन्म का उदय हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म का उदय वेदों के विरुद्ध में हुआ था, इसलिए ये नास्तिक धर्म है। और अब देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बुद्ध के जीवनी बताती हूँ, फिर हम लोग इसके छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु में हुआ। जब सुद्धोधन की पत्नी को बुद्ध होने वाले थे, ठीक है, तो उनको जब वो मतलब जैसे ही मतलब जब बच्चे का जन्म होने का समय हुआ, तो वो अपने मायके जा रही थी। ठीक है, तो मायके जाते समय रास्ते में ही कुछ दूरी पे ही उनको मतलब घर से थोड़ा दूर निकलने पे ही उनको प्रसव पीड़ा हुआ, और प्रसव पीड़ा होते ही वो लुम्बिनी वन में चली गई और वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, और वहीं पे बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में ही हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो लुम्बिनी वन कपिल वस्तु। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि उनके जन्म के कुछ मतलब एक हफ्ते बाद ही, 7 दिन बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो लालन पालन है वो उनकी मौसी माँ करती हैं, और मौसी माँ से ही उनके पिता विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर जैसे जब जन्म हुआ उनका, तो उसके बाद जो कुल गुरु होते हैं उन्हें बच्चों की कुंडली दिखाई जाती है। तो जब उनको कुंडली दिखाया गया, बुद्ध का जब कुंडली उनके कुल गुरु को दिखाया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा मतलब या तो सम्राट बनेगा या फिर ये एक सन्यासी बनेगा। ठीक है, और अपने एक धर्म सुधार आंदोलन मतलब कि एक धर्म क्रांति के रूप में उभर कर आएगा, और ये अपने धर्मों का प्रचार प्रसार घूम घूम कर करेगा। मतलब वो उन्होंने बचपन में ही बता दिया था। तो जो सुद्धोधन थे वो बहुत ही टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और उन्हें अपने पुत्र को सम्राट बनाना था। तो उन्होंने कम उम्र में ही, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जैसे ही जैसे बुद्ध बड़े हो रहे थे, तो बुद्ध अकेले रहने लग गए थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो चुपचाप बैठे रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर सुद्धोधन ने सोचा कि अगर विवाह कर दिया जाए, बुद्ध की अगर विवाह कर दी जाए, तो वो मतलब जो ये सन्यासी वाली जो चीज़ें, उससे विरक्ति हो जाएगी उसको, और ये सांसारिक क्रमों विवाह वैवाहिक जीवन में ये रम जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने जो उनके कम उम्र में ही शादी कर दी थी। ठीक है, और यशोधरा नामक एक कन्या से उनकी विवाह हो गया था। ठीक है, और उसके बाद
उन्हें एक पुत्र हुआ, बुद्ध को एक पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने, जैसे ही उन्होंने सुना कि आपको पुत्र हुआ है, तो उन्होंने उसका नाम राहुल रखा। राहुल का मतलब होता है, राहु मतलब बंधन। तो वो बुद्ध ने कहा, जैसे ही उन्होंने ये सुना कि उनको एक पुत्र हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरे कर्तव्य में एक और बंधन जुड़ गया, ठीक है, मतलब मैं जो करना चाहता हूँ उसमें एक और बंधन की कड़ी आ गई। तो उन्होंने इसका नाम राहुल रख दिया, ठीक है, अपने पुत्र का नाम उन्होंने राहुल रखा। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि जब पुत्र हो गया तो उन्हें सारी मतलब जो सांसारिक मोह माया में वो बंधे रहे, इसके लिए सुद्धोधन ने हर समय प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद वो मतलब हर तरीके के उन्हें सुख सुविधा देना चाहते थे, लेकिन एक रात वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर वो अपना गृह त्याग कर दिए, जिसे महाभिन निष्क्रमण से जाना जाता है, ठीक है। तो 29 वर्ष की आयु में ही बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिन निष्क्रमण से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर वो आगे जब गए तो उन्हें, जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा, गृह त्याग किया, तो वो आगे अपने दो गुरु से मिले, ठीक है, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करने, वो ज्ञान प्राप्त करने की खोज में निकले थे। तो दो गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वो गया पहुँचे, ठीक है, गया, बोध गया, अभी वो बिहार में है। तो बोध गया पहुँचे और फिर उन्हें निरंजना नदी, जो कि अब फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है, निरंजना नदी के तट पे ही बोध गया है। और वहाँ पे वो पहुँचकर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने 6 वर्ष तक ध्यान लगाया और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, ठीक है। और अब उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे मैंने नास्तिक और आस्तिक बता दिया कि जो वेदों के प्रमाण को माने वो नास्तिक और जो वेदों के प्रमाण को न माने वो नास्तिक, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म है वो नास्तिक धर्म में आता है, क्योंकि ये वेदों के विरुद्ध धर्म आया था। इनका जन्म 563 BC में हुआ है लुम्बिनी वन में कपिल वस्तु में, मृत्यु हुई है 483 BC कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर यूपी में है ये, ठीक है। पिता सुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे, ठीक है, कपिल वस्तु के राजा थे ये। और माता महामाया, इनकी माता का नाम महामाया है, जो कि कोलीय वंश की थी। और मौसी माँ, जैसा कि मैंने बताया कि 7 दिन बाद ही इनकी माँ मर गई थी, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी माँ ने, प्रजापति गौतमी ने किया था। इसीलिए इनकी, देखिए, मौसी माँ का नाम प्रजापति गौतमी है, इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। पत्नी यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की आयु की थी, और देखिए इनका विवाह भी 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। मैंने बताया कि इन्हें कम उम्र में इनके पिता ने इनकी शादी कर दी थी, ठीक है, तो इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। पुत्र राहुल, राहुल का मतलब मैंने बताया बंधन। फिर गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में। देखिए जब बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस समय, उस समय इनके, देखिए, इनके प्रिय शिष्य आनंद का जन्म हुआ था, इनका जो मतलब घोड़ा था उसका जन्म हुआ था, और यशोधरा का जन्म हुआ था, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इनके जन्म के समय कि इन लोगों का जन्म हुआ था। फिर देखिए गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में। अब उन्होंने गृह त्याग क्यों किया था? देखिए, जैसे उनको जब सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन वो अकेला रहना पसंद करते थे, ठीक है। तो उन्हें क्या हुआ कि वो एक दिन अपने मतलब जो उनका बागीचा था या फिर बाहर, वो सैर करने निकले थे, घूमने निकले थे, ठीक है। लेकिन उनके पिता मतलब बहुत सारे लोगों के साथ उनको भेजते थे, हाथी घोड़ों पर भेजते थे, क्योंकि वो राजा थे। तो वो उस तरीके से अपने पुत्र को बाहर निकालते थे, लेकिन वो क्या था, एक दिन वो सारे लोग सोए हुए थे और वो ऐसे अब खुद से सुबह में उठकर टहलने चले गए। जब वो निकले, घूमने निकले, तो उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो उन्हें काफी दुख हुआ कि मतलब सबका ये एक दिन आएगा, ठीक है।
फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने बोला, उन्हें इसको देखकर भी काफ़ी दुख हुआ कि ये तो सभी को एक दिन होगा। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक शव को ले जाते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा, उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जैसे हम लोग जैसे आम इंसान है, जैसे आम इंसान इन द सेंस कि जो शादी हुआ, सांसारिक कर्मों में लिप्त हो गए, तो इन्होंने ये मृत व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को देख के, फिर मृत व्यक्ति जो कि शव को ले जाते हुए देखा, तो इन्होंने सोचा कि ये जीवन का अंतिम पड़ाव है, सबको एक दिन मर जाना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे, जब जैसे आगे बढ़े, तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा था। उन्होंने सोचा, उसको देखकर सन्यासी को, कि क्यों ना, सबसे अच्छा जीवन तो यही है। उन्हें सन्यासी को देखकर काफ़ी प्रसन्नता मिली। ये वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति को देखकर वो काफ़ी दुखी हुए, ठीक है, कि सबका ये एक दिन आएगा। मोह माया के बंधन से इंसान बंधा रहता है और सबको एक दिन मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो और जब उन्होंने सन्यासी को देखा, तब उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा तो जीवन इसी का है, सन्यासी का, कि सन्यासी बनने के बाद इंसान कुछ कर सकता है, मैं धर्म को, ज्ञान की प्राप्ति करूँगा और उसके अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार करूँगा, तो मैं कुछ करूँगा, क्योंकि एक दिन तो मृत्यु सबको ही आनी है, ठीक है। आप देखिए, वो जब यही सोचकर उन्होंने घर आए, और एक दिन वो रात को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर गृह त्याग करके चले गए। तो फिर उन्हें आगे जाने के बाद जब वो वैशाली पहुंचे, तो उन्हें अलार कालम, ठीक है, अलार कालम नामक गुरु, प्रथम गुरु हैं ये, यहाँ पे मैंने देखे, प्रथम गुरु हैं अलार कालम, जो कि वैशाली में मिले, और द्वितीय गुरु हैं रुद्रक रामपुत्र राजगृह के हैं ये, ठीक है, और राजगृह भी गया के पास, ये पटना के पास है, सॉरी, ये पटना गया के पास है, ठीक है, बिहार में है ये राजगृह, ये वैशाली भी बिहार में है। आप देखिए, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, बोध गया, मैंने बताया ना कि फिर वो बोध गया पहुंचे, जब ये दो गुरु के पास से हो गए, तो फिर ये होकर ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंजना नदी के तट पर फल, अब निरंजना नदी, जिसको अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, निरंजना नदी के तट पे पहुंचे वो, जिसको अब ये प्राचीन नाम है, जिसको अब फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर ये वहाँ पे इसके तट पे ही, निरंजना नदी के तट पे ये बोध गया बसा हुआ है, और जब ये बोध गया पहुंचे, तो 6 वर्ष लगा उनको ज्ञान प्राप्त करने में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे, तो उनपे उनके जो चचेरे भाई थे, उन्होंने काफ़ी उनपे अत्याचार किया, जब जाने की वो यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान में बैठे हैं, तो उनपे काफ़ी अत्याचार किया, लेकिन वो बिल्कुल भी हिले नहीं, जो वो काम कर रहे थे, जो ध्यान लगाए थे, वो ध्यान लगाते ही रह गए। फिर वो एक दिन क्या हुआ कि वो भूखे प्यासे, वो भूखते प्यास से तड़पते हुए वो ध्यान लगाए थे, तो देखिए जब भूख प्यास लगी रहती है तो ध्यान नहीं लग पाता है, नहीं लग पाएगा, तो उनको बार बार भूख लग रही थी, तो वो उनका जो ध्यान था वहां से, ध्यान जो लगाया था उन्होंने, वहां से उनका मन भटक रहा था, तो वो भूख से एक दिन काफी तड़प रहे थे। तो एक स्त्री आई, सुजाता नामक एक स्त्री आई, वो उस पीपल के वृक्ष का पूजा करने आई थी उस दिन, ठीक है। तो उसने देखा कि इस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा है, जो बिल्कुल ऐसे सूखा सा, एकदम हड्डी जैसा दिख रहा है। तो उसने क्या किया, दुबला पतला एकदम, क्योंकि उनकी पूरी हड्डियां दिख गई थी, तो उसने क्या किया कि वो जो खीर था वो उस व्यक्ति को, यानी कि बुद्ध को खिला दिया, सुजाता नामक स्त्री ने, ठीक है, उस खीर को उन्होंने खिला दिया। जब वो खा लिए खीर, तब उन्होंने सोचा कि अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अगर मुझे ध्यान लगाना है, तो मुझे इतना कठोर तप नहीं करना पड़ेगा, मुझे मध्यम मार्ग के अनुसरण करना पड़ेगा। देखिए, मध्यम मार्ग का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ भी नहीं, और बहुत ज़्यादा लचीलापन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पानी पीकर और भोजन करने के पश्चात में ज्ञान ध्यान लगाऊंगा ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने इसकी वजह से उन्होंने ये
क्या बोलते सॉरी मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। ठीक है, तो इन्होंने किस ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने इनका जो बौद्ध धर्म का या बुद्ध का कौन सा मार्ग अपनाया था, तो मध्यम मार्ग अपनाया था। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने जैसे बताया कि ज्ञान प्राप्ति उनको बोध गया में हुई, 6 वर्ष पश्चात हुआ, 35 वर्ष की आयु में हुए और वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। ठीक है, बुद्ध बुद्धत्व, देखिए बुद्ध नाम बोला जाता है क्योंकि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी थी। जिसे बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए वो बुद्ध कहलाता है। तो उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, बुद्धत्व प्राप्ति हो गई थी, तो वो बुद्ध बन गए। ठीक है, और गौतमी बुद्ध, गौतमी नाम से उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, तथागत भी नाम मिलता है, तो तथागत का मतलब होता है सत्य है जिसका ज्ञान। ठीक है, तथागत का मतलब सत्य है जिसका ज्ञान। और इनका एक और नाम मिलता है शाक्य मुनि। ठीक है, देखिए मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ही लिख देती हूँ। इनका एक और नाम मिलता है यहाँ लिख देती हूँ शाक्य मुनि। ठीक है, इनका नाम मिलता है शाक्य मुनि। और इनके प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद थे। ठीक है, और ये देखिए ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, नेट जेआरएफ में बुद्ध के और पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है। बुद्ध जिन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो, बुद्ध के कितने नाम थे, शाक्य मुनि, तथागत, सत्य है जिसका ज्ञान, उसे तथागत बोला जाता है। और उसके पश्चात मैंने बताया कि उन्हें गौतम बुद्ध भी उनकी मौसी माँ के नाम के साथ लेकर बोला जाता है। गौतमी मतलब गौतमी से गौतम आया। ठीक है, गौतम बुद्ध। अब देखिए जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो जब ये देखिए गृह त्याग किया था और आगे उन्हें रास्ते में जाकर उनके 5 शिष्य बन गए थे। ठीक है, तो 5 शिष्यों के साथ ही वो सर्वप्रथम ध्यान लगाने बैठे थे, लेकिन जब कठोरता के साथ वो करने लग गए तो 5 शिष्यों का मन नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें छोड़कर अकेला ही, मतलब वो लोग वापस सारनाथ। ठीक है, सारनाथ तभी वाराणसी में है, यूपी में, लेकिन उसे प्राचीन नाम उसका ऋषि पत्तन था। ठीक है, ऋषि पत्तन। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो सर्वप्रथम उन्होंने उपदेश देना, मतलब सोचा कि अब मैं अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करूंगा। तो उन्होंने अब उपदेश देने के लिए सोचा, तो वो वहाँ बोधगया से ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ था। तो सारनाथ में उन्होंने इन्हीं 5 शिष्यों को जो उनको छोड़कर आए थे, उन्हीं 5 शिष्यों को इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया अपने ज्ञान का। और वो कहाँ पे दिया, सारनाथ, जिसका प्राचीन नाम ऋषि पतन था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, ऋषि पतन। ठीक है, जो कि अब बनारस में है, वाराणसी यूपी। ठीक है, घटना, अब देखिए घटना और प्रतीक का मतलब कि 4 घटनाएं जो जुड़ी हुई है महात्मा बुद्ध से, तो उनके उसके उसका प्रतीक क्या है। ठीक है, तो देखिए उनके जन्म का प्रतीक है कमल या सांड, कहा सांड भी हो, मतलब कहीं कहीं आपको सांड मिलेगा और कहीं कहीं कमल मिलेगा। गृह त्याग घोड़ा, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जब उनके जन्म के समय उनकी माँ को, मतलब एक कहीं कहीं सांड का प्रतीक मिलता, कहीं कहीं कमल का, कि कमल सपने में, मतलब कमल के फूल को उन्होंने देखा था, तो इसीलिए उनके जन्म के प्रतीक को कमल माना जाता है। गृह त्याग घोड़ा, क्योंकि जब वो गृह त्याग घर छोड़े थे, तो उन्होंने कुछ भी अपने घर से नहीं लिया था, सिर्फ अपने घोड़ा को अपने साथ लेके गए थे, और वो भी नदी के किनारे छोड़कर वहां से चले गए थे। ठीक है, तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति है पीपल, उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और निर्वाण है पद चिन्ह। ठीक है, उनके निर्वाण के बाद, निर्वाण का जो उनका प्रमाण है या प्रतीक बोल सकते हैं, वो पद चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए आनंद के आग्रह पे जब उनका, मतलब अंतिम जब समय आया, तो आनंद ने इनके जब तक, मतलब ये थे बुद्ध थे, बुद्ध थे यानी बुद्ध के समय में ही स्त्रियों का प्रवेश हो गया था, लेकिन बुद्ध स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित कर रखे थे, वो स्त्रियों को प्रवेश को अपने नहीं चाहते थे। तो उन्होंने, तो आनंद के आग्रह पे, आनंद इनके प्रिय शिष्य थे, उन्होंने आनंद के आग्रह पे स्त्री प्रवेश का अनुमति दिया, उन्हें स्त्रियों के प्रवेश को मना कर रखा था। ठीक है, अब देखिए,
तो इन जब स्त्री प्रवेश का मतलब ऑर्डर आ गया, जब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं स्त्री प्रवेश को मानता हूँ, तो सबसे पहले प्रजापति गौतमी उसमें स्त्री प्रवेश के रूप में जानी जाती है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा बार उपदेश दिया था, और सर्वाधिक वर्षावास जो किया था उन्होंने वो वैशाली में किया था, ठीक है। और अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था इन्होंने, और चार आर्य सत्य कौन कौन से, देखिए अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया, और इन्हीं इन्होंने चार आर्य सत्य, आर्य सत्य का मतलब होता है कि देखिए दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध, दुख दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध, यहाँ पे आएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। इसका मतलब होता है देखिए दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका मतलब होता है कि ये चार आर्य सत्य हैं, ये जीवन के जो सत्य हैं वो क्या क्या हैं, दुख मतलब कि इंसान दुखी, मतलब दुख, दुख तो हर इंसान को होता है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर इन दुखों का अंत कर लिया जाए तो मनुष्य कुछ पा सकता है। देखिए दुख और इन्होंने जो दुखों का कारण बताया वो सबसे बड़ा कारण उन्होंने तृष्णा बताया है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दुखों का कारण इन्होंने, देखिए दुखों का कारण इन्होंने तृष्णा को माना है। देखिए तृष्णा का मतलब होता है लालसा, लालच, यानी कि जिसकी इच्छाएं अनंत हो, जैसे कि होता है इंसान, देखिए किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता है, ठीक है, अगर आपको आज ये चाहिए तो फिर कल वो, फिर कल वो, ये इच्छाएं होती हैं इंसान की जो कि दुख का सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है। तो इन्होंने दुखों का सबसे बड़ा कारण तृष्णा को माना है, तृष्णा यानी लालसा, लालच और इच्छा बोल सकते हैं आप, तो इच्छाएं जो होती हैं वो इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है, और इच्छाओं का अंत, मनुष्य में इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है तृष्णा का कारण इन्होंने, और बोल इन्होंने कहा कि हम दुखों का अंत कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने उसके लिए अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, ये आठ मार्ग बताए जिससे दुखों का अंत कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, मतलब जो दृष्टि होती है वो सत्य होनी चाहिए, संकल्प हमारा सत्य होना चाहिए, वचन जो होता है वो सत्य होना चाहिए, वाक मतलब वचन बोलने का जो होता है, कर्म काम होना चाहिए, आजीव हमारा जो है वो सत्य होना चाहिए, व्यायाम सत्य होना चाहिए, स्मृति और फिर सम्यक समाधि, लास्ट में सम्यक समाधि, ये इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। इन्हीं अष्टांगिक मार्ग से हम अपने दुखों का अंत कर सकते हैं, यानी तृष्णा का अंत कर सकते हैं, अपनी लालसा का अंत कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जब महात्मा बुद्ध का 483 बीसी में इनका कुशीनगर में अंत हो जाता है, सॉरी निर्वाण प्राप्ति कर लेते हैं, ये जब निर्वाण को इनकी प्राप्ति हो जाती है तब फिर इन्होंने, मतलब उससे पहले इन्होंने बताया कि अब जो मेरे धर्म का जो मतलब लक्ष्य है, यानी मेरे धर्म के जो रत्न हैं, त्रिरत्न नाम दिया उसको, कि मेरे धर्म में तीन चीज़ों का पालन होना चाहिए, उसको त्रिरत्न कहा जाता है, मेरे धर्म में तीन किसका, बुद्ध, बुद्ध मतलब जो जैसे बुद्धत्व जो ज्ञान है वो सत्य होना चाहिए, ठीक है, बुद्ध धम संघ, इन तीनों का ये भी होता है कि जो आपका धर्म है वो सत्य होना चाहिए, धम मतलब यहाँ पे धर्म क्या, बौद्ध धर्म की बात की जा रही है, और संघ, ठीक है, संघ मतलब कि आप जिस मतलब जिस समूह में रह रहे हैं या संघ उस सत्यता के साथ उसमें रहना चाहिए, तो बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न थे, यानी ये इनके शिक्षाओं का आप निचोड़ बोल सकते हैं, इन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति की थी उसको उन्होंने बोला कि ये जो ज्ञान होता है ये हमारे, मेरे ज्ञान का तीन रत्न है बुद्ध धर्म और संघ, और इन्हीं का पालन मेरे धर्म में होना चाहिए, ठीक है। और अंतिम लक्ष्य बौद्ध धर्म का क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति, और 483
BC में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो अब देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा बुद्ध के जीवन के बारे में, जो कि मैंने इसको पॉइंट्स में बनाया है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग अब इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।